हेलो फ्रेंड्स, अस्सलामु अलैकुम, वेलकम बैक टू माय चैनल शहनाज दिलकुश रेसिपीज़। फ्रेंड्स, आज मैं आपके लिए एक नई रेसिपी लेकर आई हूँ, ब्रिंजाल मसाला। बहुत ही सिंपल और बहुत ही इजी रेसिपी है, झटपट बनने वाली। तो चलिए रेसिपी स्टार्ट करते हैं। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। ब्रिंजाल मसाला यानी कि बैंगन का मसाला बनाने के लिए मैंने यहाँ पर 3 बैंगन लिए हुए हैं, और ये ग्रीन कलर के लिए है। बैंगन अलग अलग कलर में भी आते हैं, वाइट में भी आने लगे हैं मार्केट में अभी तो यहाँ पर ये बैंगन जो है ये बहुत ही टेस्टी होती है। ये बैंगन मिले तो ज़रूर लेना। उसको ऊपर का जो डंठल हटा कर हमें इसको बारीक टुकड़ों में काट कर नमक वाले पानी में इसको डाल देना है, ताकि अंदर से काले ना पड़े। और हाँ, बैंगन जब हम साफ़ करेंगे तो देख लेना कि उसमें कीड़ा वगैरह है या नहीं। उसके बाद ही इसको बारीक टुकड़ों में काट कर पानी में ऐड करेंगे। बहुत ही टेस्टी रेसिपी बनने वाली है, तो बिना स्किप कीजिए रेसिपी को ज़रूर देखिएगा। और फ्रेंड्स, अगर आप मेरे चैनल पर नए आए तो चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब कीजिए, बेल के आइकन को ज़रूर क्लिक कीजिएगा, आने वाली वीडियोज़ की नोटिफिकेशन आपसे मिस ना हो। तो देखिए, यहाँ पर सारी टुकड़े मैंने कर लिए हैं और पानी में भी ऐड कर दिए हैं। पानी में इसे इसी तरह से छोड़ना है। अब हम इसका मसाला बनाते हैं। तो मैंने गैस पर एक पैन रख दिया है, उसमें मैंने 4 से 5 चम्मच तेल ऐड कर दिया है। जैसे ही तेल गर्म होता है हम इसमें ज़ीरा ऐड करेंगे 1/2 चम्मच, और ज़ीरे को थोड़ा तड़तड़ने देंगे। उसके बाद हम इसमें थोड़ा सा हींग ऐड करेंगे। इस सब्ज़ी में हींग ज़रूर ऐड करना है, तो पिंच ऑफ हींग मैंने यहाँ पर ऐड कर दिया है। उसके बाद यहाँ पर हम 2 प्याज ऐड करेंगे, बारीक चॉप करना है प्याज को, और उसको तेल में अच्छे से फ्राई करना है। अब इसमें थोड़े से हम करी पत्ते भी ऐड करेंगे, और हमेशा की तरह प्याज को सॉफ्ट होने के लिए हम इसमें नमक भी ऐड करेंगे, ताकि जो प्याज है बहुत जल्द से नरम हो जाए। तो यहाँ पर थोड़ा सा करी पत्ता मैंने ऐड कर दिया है, और नमक ऐड करेंगे ताकि प्याज बहुत जल्दी से सॉफ्ट हो जाए। प्याज को हम लाल होने तक फ्राई नहीं करेंगे, हल्का सा गुलाबी होने तक ही फ्राई करेंगे। प्याज में एक तरह की मिठास होती है, बस उतना तक ही हमें फ्राई करना है। अब हम इसको 2 मिनट के लिए ढक देंगे, ताकि प्याज जल्द से जल्द सॉफ्ट हो जाए। इसके बाद यहाँ पर देखिए, ये प्याज अच्छे से सॉफ्ट हो गई है, हल्का सा इसमें गुलाबी कलर भी आ गया है। तो इसके बाद में हम इसमें सारे मसाले ऐड कर देंगे एक एक करके। सबसे पहले तो देखिए, प्याज इस तरह से सॉफ्ट होनी चाहिए। फ्रेंड्स, आप देख सकते हैं कि मैंने प्याज को ज़्यादा लाल नहीं किया है, हल्का सा गुलाबी रखा है। यहाँ पर जो कटे हुए बैंगन हैं हमें इसको ऐड करना है, और 2 मिनट के लिए इसे अच्छे से फ्राई करेंगे। फ्राई करने से ये बैंगन बहुत अच्छे बनते हैं, बहुत अच्छा टेस्ट आ जाता है इसके अंदर। अब हम इसमें 1/2 चम्मच अदरक लहसुन का पेस्ट ऐड करेंगे। इसके बाद इसको भी अच्छे से भून लेंगे, इसका कच्चापन निकलने के लिए अच्छे से अदरक लहसुन के पेस्ट को भी भून लेना है। अदरक लहसुन का पेस्ट भूनने के लिए मिनिमम हमें 1 मिनट का टाइम लगेगा। इसके बाद यहाँ पर देखिए, कटा हुआ एक टमाटर ऐड कर रही हूँ, और उसके साथ ही मैं धनिया की जो पत्ती है उसको ऐड कर रही हूँ, और अच्छे से भून लेना है तेल में इसको धीमी आंच पर। फ्रेंड्स, हर जगह पर अलग अलग तरह से बैंगन को बनाया जाता है, लेकिन आप इस तरह से बनाओगे ना फ्रेंड्स, तो दोबारा ज़रूर बनाओगे, इतनी अच्छी बनती है। यहाँ पर मैंने 1/2 चम्मच हल्दी का पाउडर ऐड कर दिया है, और 1/2 ही चम्मच कोरिएंडर पाउडर भी ऐड कर दिया है। 2 मिनट इसको हल्का सा स्टर करेंगे। उसके बाद हम मिर्ची का पाउडर इसमें ऐड करेंगे। तो यहाँ पर मैंने लाल मिर्च का पाउडर लिया है, जो थोड़ी सी तीखी है। आप कश्मीरी लाल मिर्च का पाउडर भी ले सकते हैं, लेकिन बैंगन में थोड़ा तीखापन रहेगा ना, तो बैंगन बहुत अच्छे लगते हैं खाने के लिए। और यहाँ पर मैंने गरम मसाला पाउडर भी 1/2 चम्मच डाल दिया है। इसके बाद सारे मसालों को हम अच्छे से मिला लेंगे, थोड़ा फ्राई करेंगे मसालों को। तो यहाँ पर देखिए, हमारे मसाले अच्छे से मिल चुके हैं। तो मैं यहाँ पर 1/2 गिलास पानी ऐड कर रही हूँ। ज़्यादा पानी ऐड नहीं करना है, 1/2 ही गिलास पानी ऐड करना है, और लो टू मीडियम गैस पे ही हमें बैंगन को पकाना है। तो हम 2 मिनट के लिए इसको ढक देते हैं। तो आप देख सकते हैं, यहाँ पर हमारी जो सब्ज़ी है रेडी हो गई है, लेकिन हमें फिर से इसको 1 मिनट के लिए पकाना है,
यहाँ पर हम आमचूर का पाउडर ऐड करेंगे थोड़ी सी खटास आने के लिए। बैंगन में थोड़ी खटास रहेगी तो बैंगन का जो मसाला है बहुत ही अच्छा टेस्टी बनता है। खट्टा और तीखा जो स्वाद आता है बहुत ही ज़बरदस्त आता है इसमें। तो आमचूर का पाउडर या तो फिर इमली का जूस भी आप यहाँ पर इस्तेमाल कर सकते हैं। फिर से हमें एक मिनट के लिए इसका ढककर रखना है। तो आप देख सकते हैं ये हमारी जो सब्ज़ी है अब एकदम रेडी हो गई खाने के लिए। तो मैं अब उसको प्लेटिंग करूँगी। फ्रेंड्स ये जो रेसिपी है बहुत ही डिलीशियस बनती है, आप एक बार इसे ज़रूर ट्राई कीजिएगा। आप इसको राइस के साथ, दाल चावल के साथ, चपाती के साथ, रोटी के साथ ज़रूर से बना के इंजॉय कीजिए और मुझे इसका फीडबैक ज़रूर देना। फ्रेंड्स रेसिपी अच्छी लगी तो ज़रूर लाइक कीजिए, चैनल को सपोर्ट कीजिए और अपना प्यार इसी तरह हमारे चैनल को दीजिएगा। तो मिलती हूँ मैं आपको नेक्स्ट वीडियो के साथ, तब तक के लिए टेक केयर, बाय बाय, अल्लाह हाफिज़।